हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग सॉइल मैकेनिक्स में कंसोलिडेशन पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, तब ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ओके, तो देखते हैं कंसोलिडेशन क्या होता है। कंसोलिडेशन दो टाइप का होता है, प्राइमरी कंसोलिडेशन एंड सेकेंडरी कंसोलिडेशन। तो प्राइमरी कंसोलिडेशन क्या होता है, इट बिगिंस व्हेन सॉइल रीचेस टू फुल सैचुरेशन आफ्टर द एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर एंड रिमेन्स सैचुरेटेड ड्यूरिंग एंटायर प्रोसेस ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन। तो ये कब स्टार्ट होगा, जब आफ्टर ऑफ एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर, जब जो भी सॉइल मास है, ये सॉइल मास है, इसमें से जब इस पर हम लोग लोड लगाएंगे, तो इसमें से जो सबसे पहले एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर होगा, जो कि इनिशियल कंप्रेशन और कॉम्पैक्शन था, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ओके, तो सबसे पहले इसमें से पोर एयर बाहर निकल गई, तो अब ओनली वाटर बचेगा और सॉइल सॉलिड्स बचेंगे। तो इट बिगिंस व्हेन सॉइल रीचेस टू फुल सैचुरेशन, पोर एयर निकलने के बाद जो भी सॉइल मास बचा है, अब ये फुल सैचुरेटेड होगा। ठीक है, तो वही है, इट बिगिंस व्हेन सॉइल रीचेस टू फुल सैचुरेशन आफ्टर द एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर एंड रिमेन्स सैचुरेटेड ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन। जब तक पूरा प्राइमरी कंसोलिडेशन का प्रोसेस होता है, सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड रहती है। ओके, इट इज ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर। प्राइमरी कंसोलिडेशन में क्या होता है, पोर वाटर का एक्सपल्सन होता है, मतलब पोर वाटर बाहर निकलता है सॉइल में से। और जबकि इसमें इनिशियल कंप्रेशन में क्या होता है, एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर, सबसे पहले पोर एयर निकलेगी, उसके बाद पोर वाटर का एक्सपल्सन होगा। ठीक है, प्राइमरी, अगला पॉइंट है, प्राइमरी कंसोलिडेशन कंप्लीट्स व्हेन एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर स्टॉप्स। इट इज अ टाइम टेकिंग फिनोमेना विच डिपेंड्स अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल, लोडिंग कंडीशन एंड लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। तो प्राइमरी कंसोलिडेशन कब पूरा होगा, तब जो एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर है वो स्टॉप हो जाएगा, मतलब पानी अब नहीं निकल रहा है, तो प्राइमरी कंसोलिडेशन समझो पूरा हो गया। ये टाइम टेकिंग फिनोमेना है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, और ये डिपेंड करता है परमिएबिलिटी ऑफ द सॉइल। अगर परमिएबिलिटी सॉइल की ज़्यादा है तो ये जल्दी हो जाएगा, और अगर परमिएबिलिटी कम है तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो सॉइल मान लीजिए क्ले है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, और सैंड है तो उसमें कम टाइम लगेगा। एंड लोडिंग कंडीशन, यूनिफॉर्म लोड आ रहा है, पॉइंट लोड आ रहा है, कितना लोड आ रहा है, ये लोडिंग कंडीशन हो गई। एंड लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ मान लीजिए ये सॉइल मास है, इसमें लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ ये हो गया, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ मतलब कितने लेंथ तक ड्रेनेज पाथ है, वो होता है लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। ओके, दूसरा है सेकेंडरी कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन इट स्टार्ट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन। तो ये प्राइमरी कंसोलिडेशन पूरा होने के बाद स्टार्ट होता है। ओके, इफ लोड इज कॉन्स्टेंट एंड वॉल्यूम चेंजेस इज रिकॉर्डेड विद पासिस ऑफ टाइम विदाउट एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर। ये लोड कॉन्स्टेंट है एंड वॉल्यूम चेंज इज रिकॉर्डेड, और वॉल्यूम में जो है चेंज रिकॉर्ड किया जा रहा है विथ पासिस ऑफ टाइम विदाउट एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर। मतलब क्या है, पोर वाटर नहीं निकल रहा है और लोड कॉन्स्टेंट है और वॉल्यूम चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो क्या है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन हो रहा है ये। देन वॉल्यूम चेंज इज ड्यू टू सेकेंडरी कंसोलिडेशन। ओके, सेकेंडरी कंसोलिडेशन होता है ड्यू टू प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल। इट अकर्स ड्यू टू प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल मॉलिक्यूल्स। ओके, इन कोर्स ग्रेन सॉइल ग्रेवल्स एंड सैंड, कोर्स ग्रेन सॉइल हो गई है, ग्रेवल एंड सैंड, सेकेंडरी कंसोलिडेशन इज इनसिग्निफिकेंट, बट इन हाईली प्लास्टिक क्लेस सेकेंडरी कंसोलिडेशन कैन बी 10-20% ऑफ टोटल सेटलमेंट। तो इसमें सेकेंडरी कंसोलिडेशन नहीं है इतना इम्पोर्टेंट कोर्स ग्रेन सॉइल में, और जबकि क्लेज में 10-20% होता है टोटल सेटलमेंट का। ओके, तो ये क्वेश्चन एक IES 2017 में आया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो ये बताना है सही है गलत। कंसोलिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर बाई अप्लाइंग स्टेडी लोड
फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये स्टेटमेंट सही है। कंसोलिडेशन है जो प्रोसेस ऑफ एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर, ठीक है। दूसरा पॉइंट है वॉल्यूम चेंज अकर्स इमीडिएटली आफ्टर द एक्शन ऑफ द लोड इन केस ऑफ कंसोलिडेशन टेस्ट। ये गलत हो गया स्टेटमेंट। ये देखिए वॉल्यूम, ये क्या है, वॉल्यूम चेंज अकर्स इमीडिएटली आफ्टर द एक्शन ऑफ लोड इन केस ऑफ कंसोलिडेशन टेस्ट, नहीं। ये है एक्सपल्सन ऑफ, जो वॉल्यूम चेंज है ये टाइम टेकिंग फिनोमेना है, यानी इसमें टाइम लगता है। तो ये जो वॉल्यूम चेंज है वो काफ़ी टाइम बाद होता है इस कंसोलिडेशन में। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन मैं और दिखा देता हूँ जो IAS 1999 में आया था। ये देखिए कंसीडर द फॉलोइंग, इनिशियल कंप्रेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन, इनिशियल कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन, सेकेंडरी कंसोलिडेशन एंड फाइनल कंसोलिडेशन। तो द थ्री स्टेज विच वुड बी रिलीवेंट टू कंसोलिडेशन ऑफ अ सॉइल डिपोजिट इंक्लूड्स। तो ये इनिशियल कंप्रेशन सबसे पहला होता है ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर, इसमें पोर एयर निकलती है। ओके, प्राइमरी कंसोलिडेशन में पोर वाटर का एक्सपल्सन होता है और सेकेंडरी कंसोलिडेशन में प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट होता है। ओके, तो इसका पहला और दूसरा तीसरा सही है, तीन ऑप्शन सही है। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू।